हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बजे हुए हैं अभी 12:30, तो चलिए हम आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं 12:30 से। तो काम मेरे हो चुके हैं और मैंने कहा चलो भाई, अब मेरा ब्लॉग बना नहीं है तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। आप लोगों को गुड मॉर्निंग तो नहीं कर पाई, गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर, आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाती रहूँगी, ठीक है? तो अपना प्यार कम मत करिएगा गाइस, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँगी, ठीक है? तो चलिए फिर हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं हम? अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में तो हम हैं। साहब की नींद खुल चुकी है अब, पर मॉर्निंग तो हो चुकी थी साहब की, अब आफ्टरनून में भूख लगी है। निमान, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, ओके। कंफ्यूज हो गए है ना? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज निमान परूड। वेरी गुड। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज सतीश परूड। वेरी गुड। व्हाट इज योर मदर नेम? गुड बॉय। यस, अब आप अपनी स्टडी करो, ठीक है? अच्छे से रिवाइज। डफी, हेलो डफी। हाँ, इसकी छोटी सी टंग है, टंग दिख गई आपको इस? मतलब इसके लिए स्पाइरल के दिला में घुसना होगा, पर ये होगा कैसे? इट्स पॉसिबल। शहर के अलग अलग नाइट क्लब से स्पाइरल रोज रात एक नई लड़की बोल से खेलेगा मम्मी के साथ, देगा भी नहीं, बोल नहीं देगा, ऐसे खेलेगा। मैं नहीं खेलूंगी तेरे साथ, मैं नहीं खेलूंगी। मेरे को डफी के साथ नहीं खेलना है। डब्बी की बोल कहाँ है? ओह, गुर गुर कर रहा है। तो ये रोज हम खाते हैं सब्जी के साथ में रोटी, और आज हम लोग खा रहे हैं चटनी के साथ में। तो आप लोग भी आ जाइए, रोज सब्जी खाते हैं, कभी कभी चटनी भी खानी चाहिए। और आज दही खत्म हो रही है तो चटनी हम केले खाएंगे, दही हम लेंगे नहीं क्योंकि शॉप बंद हो चुकी है। अभी हम शॉप से भी नहीं ला सकते और मैंने रात जमाई भी नहीं थी दही, तो वो सुबह ख़त्म हो गई। जो थोड़ी बहुत थी वो लस्सी मैंने बना के रख दी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं और पेट भरने के लिए चाहिए भी क्या। और ये देखिए हमारा डफी, डफी, हेलो डफी, हेलो डफी, हेलो डफी। ये लीजिए, ये देखो डफी खा रहा है खाना। तनिष्क बढ़ाना सो चुके हैं, ये दोपहर की नींद ले रहे हैं, इनको चाहिए अपने फेस पे ग्लो। इनका कहना है अगर दोपहर को सोते हैं तो ग्लो आता है फेस। ये देखिए गाइस, ये बाप बेटी का प्यार देखो, ये मक्खन लगाया जा रहा है। ये लाडली बेटी डैडी को मक्खन लगा रही है, इसलिए लगा रही है। ये तो खैर यही बताएगी। क्या चाहिए बेटा? आईफोन। क्या चाहिए? आईफोन। क्या चाहिए, थोड़ा जोर से बोलो। आईफोन। आईफोन, ओ इसको चाहिए आईफोन। तो डैडी क्या बोल रहे हैं? मिल जाएगा, देंगे। हैं? दे देंगे, दे देंगे। वेरी गुड।
तो छोड़ दिया जाए अकेली बेटी है, डैडी बोल रहे अकेली बेटी है मेरी, और भाईजान का मुंह चढ़ा हुआ उधर बैठे साइड में दो लड़के, पहले लड़की बाद लड़के मेरे बाद में। चलो जी, तो सुन लिया आपने क्या बोल रहे हैं डैडी जी। डैडी बोल रहे हैं मेरी अकेली बेटी है, दो बेटे हैं, कोई बात नहीं, बेटी मेरी मांग रही है, मैं दे दूंगा, मिल जाएगा। चलो हो गया, अब छोड़ो जानवी, चलो भाई छोड़ दो अब। अरे अभी ससुराल नहीं जा रही है, काफी दिन है अभी, अभी नहीं जा रही ना, तो छोड़ो, गले मिलती रहेगी। ये देखिए खुशी हीरोइन की। एक बार फेस तो दिखा दे, अच्छा अरे खुशी तो दिखा दे, आईफोन की खुशी तो दिखा दे, जब मिलेगा जबकि जब देखी जाएगी, एक बार दिखाना जानवी, दिखाना फेस, ये देखो आईफोन की खुशी। पक्का है, ओके डन हो गया, ये देखो कैसे। तो ये देखिए मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये मेरे टमाटर चॉप हो गए हैं, टमाटो चॉप कर दिए मैंने, इधर ये मैंने अनियन चॉप कर दी है, ये है गार्लिक, और ये है ग्रीन चिली क्या, इसमें एक रेड भी थी तो वो भी मैंने कट कर दी है, क्योंकि ये मतलब एकदम ताज़ी है, तो ये मैंने मसाला कट करके रख दिया है। और मेरी अरब भी बॉयल हो रही है, आज मैं बॉयल अरबी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कैसी बनी, आप लोग बना के अपनी मतलब जो है रिव्यू मेरे साथ मतलब शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा गाइज, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस के ऊपर, रख दिया गैस जला करके, और इसमें मैंने अपना ऑयल भी डाल दिया है जो मैं यूज़ करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल डाला है इसके अंदर। तो ये गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी अजवाइन, क्योंकि अरबी जो हम बनाते हैं तो अजवाइन में ही बनाते हैं, और ये प्याज लहसुन मैंने कट करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं, और इसमें मतलब अदरक भी था, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च जो मैंने कट करके डाली रखी हुई थी वो मैं सब डाल दूंगी इसमें। और अब इसको मतलब ब्राउन होने के बाद में मैं इसमें डालूंगी अपना टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और उसके बाद में टमाटर जब एकदम सॉफ्ट हो जाएगा उसको मैश कर दूंगी मैं चमचे की हेल्प से, और फिर उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें अपने जो मसाले हैं मेरे बेसिक मसाले जो हम लोग डालते हैं वही डालेंगे इसमें, मतलब जो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, गर्म मसाला, और थोड़ा सा अमचूर भी डाल देते हैं अगर हमारे पास टमाटो नहीं है, बस टमाटो मैंने डाला है इसमें तो मैं इसमें अमचूर नहीं डालूंगी। तो ये देखिए मेरा मसाला ब्राउन हो रहा है, ये टमाटो डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर, और टमाटो मैश होने के बाद में मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी जो भी मेरे हैं, और उसके बाद में उसको अच्छे से मतलब मैश करूंगी मैं अच्छे से सॉफ्ट, मतलब ग्रेवी टाइप का कुछ हो जाएगा उसमें। तो फिर हम इसमें ये मैंने कट करके रखी हुई थी अरबी बॉईल की थी पहले, उसके बाद में कट की है मैंने, अपनी मनपसंद शेप में काट सकते हैं हम इसको, लंबा भी और गोल भी। तो फिर मैं अब इसमें मसाला भून चुका है और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा पानी डालने के बाद में ना उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। वैसे सूखी अरबी भी अच्छी लगती है लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ी मतलब ग्रेवी पसंद है, तो मैं थोड़ा पानी भी डाल दूंगी इसके अंदर। तो ये मैं मसाले डाल रही हूँ, और उसके बाद में मसाला भुनने के बाद में मैं पानी डाल दूंगी थोड़ा सा, पानी बॉयल होने के बाद में मैं अरबी ऐड कर दूंगी इसके अंदर, जो भी मेरी अरबी रखी हुई है उनको मैं अच्छे से फिर धीरे धीरे चलाऊंगी, ज़्यादा चमचा मतलब हार्ड हाथ से पकड़ कर नहीं चलाते, सॉफ्ट सॉफ्ट चलाते क्योंकि वो फूट जाएंगी, मैश हो जाएगी अच्छे से अरबी उसके अंदर, तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए हल्के हल्के हाथ से सॉफ्ट सॉफ्ट हम इसको चलाएंगे, और फिर इसके अंदर मैं अरबी मतलब डाल के चला के उसके बाद में इसको ढक दूंगी ढक्कन से, और ढकने के बाद में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं रेडी होने में, 5 मिनट के बाद में हमारी अरबी बिल्कुल रेडी हो जाएगी खाने के लिए। तो उसके बाद में बस इसको ढक के और रख दूंगी, इसमें हरा धनिया होगा वो भी डाल दूंगी लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैंने अरबी डाली है इसमें और बस पकाने के बाद में रख दिया है इसको अच्छे से बंद करके ढक्कन, और उसके बाद में मैं खाना बना लूंगी। तो हो गई है हमारी अरबी रेडी, तो देखिए आप लोग भी और बनाइए मेरी रेसिपी से, ट्राई करके जरूर देखिएगा गाइस, बहुत पसंद आएंगी आपको, इसका डबल टेस्ट हो जाता है इस तरह बनाने से, तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और पड़ोसी भी अगर एक बार खा ली ना तो बोलेंगे कि भाई अरबी बनाकर खिलाओ, हमें दोबारा से खानी है आपके हाथ की अरबी। तो बनाकर जरूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ में शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कैसी लगी आपको अरबी, ठीक है। उसके बाद में बनाने के बाद में हम ट्रांसफर कर लेंगे किसी दूसरे बोल में, और ये देखिए कैसी लग रही है, लाजवाब लग रही है ना, देखने में लग रही है ना कि हाँ भाई टेस्टी बनी है, तो टेस्टी बनी है, ट्राई कीजिएगा। पिंकू 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 बोल पिंकू पिंकू बोल पिंकू पिंकू बोल।
बस हमारा डफी थक चुका है, बॉल अपने सामने रखी हुई है इसने, ये देखो बॉल लेके बैठा हुआ है और अब इसका खेलने का मूड नहीं है, मुझे भी नहीं दे रहा है ये। अगर मैं इसकी तरफ हाथ करती हूँ लेने के लिए ना तो काटने के लिए दौड़ता घुर करता है ये। डफी बॉल दे दो, बॉल दे दो डफी, बॉल दे दो, बॉल दे दो, बॉल दे दो। ये वैसे तो बहुत प्यारा है पर ये जब शैतानी करता है ना, और जब कोई इससे बॉल छीनता है तो बॉल तो इसकी जान है समझ लो। ये देखो पिंक कलर की बॉल रखी हुई है और अल्फाबेट लिखे हुए हैं इसके ऊपर, ये बच्चों को भी फेवरेट है और इसको डप्पी को भी फेवरेट है। तो गाइज अब हो गई है शाम और बज गए हैं शाम के 8:30, तो मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। आप लोग ब्लॉग देखिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वरना तो आपकी मर्जी है। वैसे आप लोग अगर लाइक कर देंगे तो कुछ जाएगा तो नहीं, क्योंकि नेट तो आप वैसे भी चलाते हैं, नेट तो आपका खर्च होता ही होता है। बस एक लाइक किसी को थोड़ी सी खुशी दे देता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।